तो वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि ओप्पो ने अपने ओप्पो रेनो 11 सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च किया था और अब फाइनली ओप्पो इसके सक्सेसर ओप्पो रेनो 12 सीरीज को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। और इस सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलता है जिसमें ओप्पो रेनो 12 5G और ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G स्मार्टफोन है। और आप सभी जानते हो कि इंडिया के अंदर जो ओप्पो की रेनो सीरीज है वो काफी ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 12 प्रो के बारे में, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके अंदर क्या कुछ कमाल के फीचर्स देखने को मिलता है, साथ ही ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक और किस प्राइस में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक वीडियो हम आपको फ्यूचर में दे सके। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लुक और डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि पीछे से देखने में लगभग ओप्पो रेनो 6 प्रो के जैसा लगता है। यहाँ पर बैक के साइड में ग्लास बैक दिया जाएगा और यहाँ पर जिसका कैमरा मॉड्यूल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। कुछ इस तरह का कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर जिसका साइड का फ्रेम है वो भी मेटालिक होगा लेकिन फ्लैट एजेस के साथ आएगा, मतलब कि बॉक्सी टाइप डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रंट में आपको पंच होल वाली कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी, तो डिजाइन इस फोन के अंदर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले है और ये 10 बिट का एमोलेड पैनल है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10 पर सपोर्ट मिल जाएगा। डिस्प्ले एकदम मक्खन सी मिलेगी, मतलब कि कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलने वाला है। इसके चिन और बेजल्स भी आपको काफी पतला और थिक देखने को मिल जाएगा, तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज क्लियर स्मार्टफोन होने वाला है। स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस बार इसमें आपको स्नैपड्रैगन का नहीं बल्कि मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है जो कि है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस का पावरफुल 5G चिपसेट, जो कि मीडियाटेक का एक काफी तगड़ा प्रोसेसर है, फ्लेक्सिबल लेवल का और काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। और ये चिपसेट 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस है और इतना ही नहीं, इसमें आपको LPDDR5X की रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी रैम स्टोरेज यहाँ पर आपको 12 to 56 एंड 12 to 512 GB तक का रैम और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हो कि जो ओप्पो की रेनो सीरीज है वो गेमिंग के लिए नहीं बनाई जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहेगा। एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ कलर OS 14 पर रन करता है और बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिल जाएगा, तो नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर बात है इसके कैमरे की, तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद OIS के साथ, जिसमें सोनी का IMX890 वाला सेंसर यूज किया गया है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का 2X टेलीफोटो सेंसर मिल जाता है जिसमें सैमसंग का J5 सेंसर मिलने वाला है। और वैसे देखा जाए तो इनके कैमरे में काफी तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो यहाँ पर आप काफी तगड़ी लेवल की इमेज और वीडियोस निकाल पाओगे, तो यहाँ पर कैमरा सेटअप काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और वहीं फ्रंट साइड में सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसमें सैमसंग का J5 सेंसर यूज किया गया है, तो इसके फ्रंट से भी आप काफी तगड़ी लेवल की इमेज और वीडियोस निकाल पाओगे। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इसको चार्ज करने के लिए 18 वाट के फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है और इसी के साथ टाइप सी पोर्ट, डुअल स्पीकर, एयर ब्लास्टर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो गया है और इंडिया में ये आपको 1 से 2 महीने बाद देखने को मिल जाएगा। और जैसे इसकी कोई लॉन्च डेट कंफर्म होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों, इसकी चाइना प्राइस 40,000 रुपए रखी गई है और इंडिया में इसकी प्राइस लगभग 42,000 से लेकर 45,000 के आसपास रहेगी। और वैसे आपकी क्या राय है ये स्मार्टफोन को लेकर, कमेंट में बताइएगा जरूर। और ये बताएगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।